A hollow cylinder has a solid hemisphere inward at one end and on the other end it is closed with a flat circular plate. The height of the water is 10 cm. When flat circular surface is downward, find the level of water when it is inverted upside down. Common diameter is 7 cm and height of the cylinder is 20 cm. Now, see. सबसे पहले हम क्या करते हैं एक सिलेंडर बनाते हैं और पहले ही जो गिवन क्वेश्चन में गिवन है वो हो क्या रहा है लड़की तो ये हमारे पास में क्या एक ऐसे शेप है 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 ना अब इसमें क्या 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 नीचे भी क्या है, ये सर्कुलर होगा क्योंकि सिलेंडर है तो नीचे भी ऐसे सर्कुलर शेप में होगा एंड सिमिलरली ऊपर भी क्या होगा ऐसे सर्कुलर शेप में होगा है ना अब उसके बाद हमें क्या गिवन है क्या बने दर इज इनवर्टेड एट वन एंड एंड द अदर एंड इट इज क्लोज विद्लैट सर्कुलर प्लेट तो पहले क्या हो रहा है ऐसे जो ऊपर है ऐसे सरफेस है ना है ठीक है, है, है तो अब कहा किस हाइट तक है? हमारा बने। दिस तेन संटिम्टर। तेन संटिम्टर। और सिमिलरली डायमीटर कितना है इसका इसका डायमीटर है सेवन सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी तो जाएगी थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो आर की वैल्यू है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और ये जो टोटल क्या बोलते हैं हाइट है इट इज इक्वल टू ट्वेंटी वाटर को टच नहीं कर रहा है टेन सेंटीमीटर तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वाच तो ऐसे पाई की वैल्यू आएगी ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर स्कवाज आर की वैल्यू क्या है वॉटर तो कितने 10. 10 एरिया में वाटर ओनली दिस एरिया में दिस हमारा इतना एरिया है इसमें क्या है हमारे पास में वाटर है फिलहाल इस अभी इस केस में नाउ तो टोटल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो सेवन से सेवन कट डाउन

ऊपर था लेकिन अब की बार क्या है वो ऊपर नहीं अब की बार जैसे नीचे जो सर्कुलर शेप थी तो इस तरीके से है तो की बार कैसे होगा अब की बार ऐसे है कुछ है ना और है, अब फिल कर तो सेम वॉल्यूम हमने फिल कर तो लट से हाइट एच तक क्या बोलते हैं सिलेंडर फिल हो गया है तो हमें वो हाइट एच डिटरमाइन करनी है तो अब हमें पता है इस एरिया में इस एरिया में वॉटर है क्योंकि जो हेमिसफेयर वाला एरिया है उसमें तो वाटर फेल होगा नहीं तो ये हमारा एरिया में वॉल कितना है वाटर है तो निया से अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस येलो रीजन का तो येलो रीजन के एरिया के लिए हम क्या करेंगे हम हाइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर माइनस करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू तो वॉट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस व्हाट वॉल्यूम ऑफ माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो ये क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे नाउ इस केस में हमें सिंपली क्या करना है लेट्स सी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच तो पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी यह सेवन बाय टू का होल स्क्वायर इंटू एच एच की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू बाई थ्री पाई आर क्यूब बाई थ्री इंटू पाई की वैल्यू क्या जाएगी ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर क्यूब इज सेवन बाई टू क्यूब अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे थ्री एटी फाइव इज इक्वल टू पाई की वैल्यू यहाँ भी पुट करते हैं क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन बाय टू इंटू सेवन बाई टू इंटू एच माइनस यहाँ पर एक सेवन क्या होगा कट डाउन होगा सॉरी लिख जाएगा जैसे सेवन ओके ना अब टू से क्या होगा टू कट डाउन फिर यहाँ जाएगा इलेवन और यहां भी से भी एक क्या हो जाएगा टू कट डाउन अब हमारे पास में कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? 385 7 से ट्वेंटी सेवन बाई टू एच तो सेवनटी सेवन बाय टू एच माइनस इधर क्या लिखा हुआ है 77 2H, तो 77 2H के लिखा हुआ है इलेवन इंटू सेवन इंटू सेवन तो फोर्टी नाइन इंटू इलेवन कितना होगा या मल्टीप्लाई करने की जगह यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ इसे इसे मैं लिख सकता हूँ 77 सेवन बाय टू ये तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ उसके अलावा इलेवन इंटू सेवन किया है और एक थ्री अभी भी बचा है, 3 भी भी है तो आ जाएगा सेवन बाय थ्री ना यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ मैं सेवन सेवन कॉमन ले लूंगा 77 by 2 common ले लूंगा तो जैसे मैं बाई कॉमन लूंगा क्या जाएगा थ्री एटी फाइव इज इक्वल टू सेवन सेवन बाई टू इंटू एच माइनस सेवन थ्री

तो हाइट इज इक्वल टू 37 बाय 3 तो so, जो हमारी नई हाइट आई है तो वो कितनी किसके इक्वल आ गई 37 बाय 3 सेंटीमीटर लेट्स सी डायमेंशंस अगर सारी सेंटीमीटर थी तो ये भी सेंटीमीटर ही होगी सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कितनी हाइट हो गई h इज इक्वल टू 37 बाय 3 सेंटीमीटर